अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल? अपना अपनों का ढेर सारा ख्याल रखें, खुश रहें, खुशियाँ बांटें। आज ही मैं आपको 20 साल पुरानी रेसिपी बताने जा रही हूँ। बहुत खाई हमने, बच्चे और बड़े सभी बहुत पसंद करते हैं इसे। इसके लिए आधा कप दूध का चाहिए होगा, आधा कप पिसी हुई चीनी, मैदा 1.5 कप, 1 अंडा और आधा चाय का चम्मच बेकिंग पाउडर। चलिए जी, नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। यहाँ पे बाउल ले लिए, इसमें एक एक करके सारी चीज़ें हम शामिल कर देंगे। चीनी आपने अच्छी पिसी हुई लेनी है। अगर मीठा थोड़ा ज़्यादा पसंद करते हो तो थोड़ा 1-2 खाने के चम्मच और ऐड कर सकते हो उसमें। मैदे को अच्छे से छान लेने आपने। अंडा आप छोटे बड़े किसी साइज का भी ले सकते हैं, कोई मसला नहीं है। चलिए जब इसको बीट करते हैं अच्छे से। मैं इसको बीट करना है कि ये स्मूथ से टेक्सचर में आ जाए। और इसको 1 घंटे के लिए रख देंगे। क्या जी, 1 घंटा हो चुका है। चलिए जी, आप फ्रंट की तरफ चलते हैं। ऑयल को जी यहाँ मैंने मीडियम टू हाई फ्लेम पे गर्म होने रख दिया है। चेक करते हैं ये गर्म हो चुका है या नहीं। यहाँ जी ऑयल अच्छे से गर्म हो चुका है। अब इसमें हम बॉक्स फ्राई करते हैं डाल के। अब आपने लो टू मीडियम रखना है इसको, तेज़ आंच पे आपने इसको फ्राई नहीं करना, क्योंकि अगर आप बहुत तेज़ आंच रखोगे तो ऊपर से ये फ़ौरन से कलर आ जाएगा और अंदर से कच्ची रह जाएगी। देख लें आप बाल कितने अच्छे से फूल गए। बैटर को मिक्स करने के बाद 1 घंटे के लिए आपने मस्ट रख छोड़ना है, फौरन से इसको फ्राई नहीं करना। और कढ़ाई या पैन जिसमें भी आप फ्राई करें उसको बहुत ज़्यादा आपने नहीं भर देना, बॉल्स को फूलने के लिए स्पेस चाहिए होती है। हल्की आंच पे इनको अच्छा से कलर आने तक हमने फ्राई करना है। इनको अच्छे से पलट पलट रहे ताकि ये सारी साइडों से अच्छे से एक सा कलर आ जाए। चलिए जी, अपन को निकाल लेते हैं। जी दूसरा बैच भी फ्राई कर लेते हैं। जी दूसरा बैच भी फ्राई हो गया। आपने इनको टिश्यू पेपर पे निकाल के रखना होता है। यहाँ जी ये सारे बॉल्स फ्राई हो चुके हैं। चलिए अब इसको सर्व करते हैं। यहाँ जी मैंने इसको चॉकलेट से डेकोरेट किया है। आप चाहे तो क्रीम भी डाल सकते हैं, आप चाहे तो शुगर डस्ट कर सकते हैं, चाहे तो शहद भी डाल सकते हैं और चाहे तो ऐसे भी खा सकते हैं। ये हर तरह से बहुत मज़े की लगती है। रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा और कमेंट्स में बताइएगा कैसी लगी। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, तो हमें याद रखिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।